गर्मियों में तो स्किन का ये हाल है कि बता ही नहीं सकते, झाइयां, झुर्रियां, पिगमेंटेशन, कालापन, टैन उभर के दिख रहा है। तो आज आइए आज की वीडियो में, अगर आपने इसे देख लिया, ऑनेस्टली से फॉलो कर लिया ना, तो आपका बहुत सारा मिसकंसेप्शन मिट जाने वाला है। आपको पता चलने वाला है आज की रेमेडी इतनी बेनिफिशियल क्यों है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी विदाउट वेस्टिंग टाइम। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल में एक छोटा सा बेल आइकन बटन होता है, प्रेस किए बिना आगे मत बढ़िए, क्योंकि हर रोज मैं कुछ नया लाती हूँ आपके लिए, जो आपकी स्किन, आपकी बॉडी, आपके हेयर के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो फटाफट से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बगल में बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिलता है, लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमारा इसका जो बेस इंग्रेडिएंट है वो है नारियल तेल। यस फ्रेंड, हमें ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि सर्दियों के लिए तो नारियल तेल बड़ा काम करता है, झाइयां ठीक कर दिया मेरा तो स्किन पे ग्लो ला दिया, मेरे स्किन को मॉइस्चर कर देता है, मगर गर्मियों में चिपचिपाहट लाता है। यही आपकी जो थॉट है, आपकी जो परेशानी है, यही मैं आज आपको सॉल्व करने आई हूँ। आज मैं बताने आई हूँ कि कैसे आप घर पे नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं चेहरे पे झाइयां, पिगमेंटेशन, कालापन हटाने के लिए, स्पेशली गर्मियों में। हमारे के साथ क्या होता है ना कि हम सर्दियों के लिए तो नारियल तेल खूब इस्तेमाल करते हैं, गर्मी आती है चेहरे पे देना पसंद नहीं करते, बॉडी में देना पसंद नहीं करते, चिपचिपाहट फील होता है, ये प्रॉब्लम सबके साथ होता है, मगर आज की रेमेडी से आपको ये सारे मिसकंसेप्शन मिट जाने वाले हैं। चलिए बताती हूँ कैसे। रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, नारियल का तेल लेना है। आपके पास वर्जिन कोकोनट ऑयल है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों के अलावा आपको कोई भी सुगंधित ऑयल नहीं लेना है, मैं हमेशा बताती हूँ। एक ड्राई क्लीन बाउल ले लेना है, इसमें आपको लेना है 2 चम्मच जैसा। अच्छा, मैं 2-3 दिन का बता रही हूँ, आप इसे अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकती हैं, 15 दिन के लिए बना के रख सकती है फ्रिज में स्टोर करके, एक तरह का सीरम है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 2 चम्मच ले लिया है नारियल तेल, जिसमें मॉइस्चराइजिंग लेवल बहुत होता है, चेहरे को मॉइस्चर करता है, चेहरे पे झाइयां हटाता है, पिगमेंटेशन हटाता है, कालापन हटाता है, टैन हटाता है, चेहरे को बहुत अच्छा ब्यूटीफुल बनाने में कारगर है। सेकेंड इंग्रेडिएंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है मेरा फेवरेट गर्मियों के लिए, ये रोज वाटर। रोज वाटर आपके चेहरे को डिहाइड्रेट नहीं होने देता, मॉइस्चर देता है, पीएच लेवल को बैलेंस करता है, साथ ही साथ चेहरे को फ्लॉलेस बनाता है, चेहरे पे शाइन लाता है, चेहरे को जो कहते हैं ना ग्लोइंग बनाता है। तो ये तो मेरे पास गर्मियों में, अगर आप चाहते हैं अपने स्किन को गुलाबरी वाला ग्लो देना तो आपके पास ये होना ही चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा रोज वाटर लेना है, आपने लिया है 2 चम्मच नारियल तेल, आपको 4 चम्मच लेना है रोज वाटर। तो मैं अपने हिसाब से यहाँ पे डाल दे रही हूँ और इन दोनों को अच्छे से कर लेना है मिक्स। यकीन मानिए, ये जो सीरम मैं बता रही हूँ ना, अगर आपने ऑनेस्टली से लगा लिया अपने चेहरे पे रोजाना, तो चेहरे पे कुछ देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आपको कर लेना है अच्छे तरीके से मिक्स। इसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा एलोवेरा जेल, यानी कि आपको 2 चम्मच जैसा एलोवेरा जेल ले लेना है और इन दोनों को, इन सबको अच्छे तरीके से, इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर देना है। जैसे आप मिक्स करेंगे, एक क्रीम टेक्सचर में आपको अचीव हो जाएगा। इसके बाद अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट रहती है तो आप थोड़ा सा ग्लिसरीन इस्तेमाल कर सकती हैं। मेरी स्किन ऑयली है तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगी, मगर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, मेरी स्किन पे हाइड्रेशन नहीं है, मेरी स्किन बहुत ज्यादा रफ हो चुकी है, तो उनके लिए मैं बता दे रही हूँ कि यहाँ पे आप थोड़ा सा ग्लिसरीन का इस्तेमाल कर सकती हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये हमारी रेमेडी बनके रेडी हो चुकी है, क्रीम बनके रेडी हो चुकी है। आपको लेना है अपने हैंड की हेल्प से, जैसे आप अपने स्किन पे क्रीम लगाते हैं वैसे ही आपको टैप 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 कर लेना है और अपने चेहरे पे हल्के हाथों से करना है मसाज। भाई वाह, जैसे ही लगा फ्रेग्रेंस तो आ ही रहा है अच्छा, साथ ही साथ बहुत अच्छा फील हो रहा है, एक सीरम का टेक्सचर आपको अचीव हो जाएगा। अगर आप इसे बिल्कुल क्रीम टेक्सचर में देखना चाहती हैं, करना चाहती हैं, तो आपको क्या करना है, इसे थोड़ा सा टाइट कर लेना है। लो हमारा क्रीम सीरम, या फिर बोलो कि गर्मियों के लिए बेस्ट रेमेडी तैयार होकर के रेडी हो चुकी है। हल्के हाथों से मसाज करेंगे, मसाज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, चेहरे को जितना मसाज करेंगे चेहरे पे उतना गोरापन आएगा, चेहरे को उतना ही टाइट होगा, चेहरा उतना ही शाइन होगा, वेन्स जो हमारे ना अच्छे से खुल जाएगी, चेहरे पे ग्लो ही रहेगा। ये देखिए कितना अच्छा चेहरा ग्लो करने लगा, एकदम से चेहरे पे शाइन आ गई है ना, चेहरा बिल्कुल शाइनी हो गया है। मसाज करने के लिए मैं बताती हूँ कि आपको यहाँ पे 8 बनाना है, इस तरीके से 8 बनाइएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी स्किन को अपलिफ्ट करना है ताकि स्किन टाइट रहे, चेहरे पे ग्लो रहे। ये देखिए हमने तो अपने स्किन पे लगा लिया और आपकी बारी है, तो
चाहिए इंस्टेंट में ग्लो, तो इस सीरम को घर पे जरूर बनाएंगे। गर्मियों में स्पेशली कौन कौन कर सकते हैं मैं बता दूं, तो आप अगर 1515 से एवर है तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। आप 20s, 30s, 40s में आ रही हैं, आपको अपने स्किन पे लगाना चाहिए। इससे आपके चेहरे पे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। अगर आपके चेहरे पे कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर ग्लो नहीं है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और मैं जानती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपके मिसकंसेप्शन दूर हो गए होंगे कि हमें नारियल तेल का इस्तेमाल गर्मियों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो, नारियल तेल इज द बेस्ट फॉर ऑल स्किन टाइप। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपने कर लिया ना, आपको कुछ भी और अपने चेहरे पे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना पैसे खर्च किए आपको मिलना वाला है पार्लर जैसा ग्लो घर बैठे गर्मियों में, तो आपने तो करना ही करना है। साथ ही साथ चेहरे पे बुढ़ापन दिख रहा है, 20, 30, 40 एज में आ रहे हैं और आपके चेहरे पे फाइन लाइन्स, रिंकल्स दिख रहे हैं, तो आपने फटाफट से इसे प्रिपेयर करना है, बनाना है। और अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है फटाफट से दौड़ भाग के आ जाइए, मुझे कमेंट के थ्रू कांटेक्ट करिए, मैं बहुत जल्दी रिप्लाई करती हूँ। ट्रस्ट मी गाइज, आप उनसे, वो लोग जो मुझे रेगुलर के देखते हैं, रेगुलर के व्यूवर्स हैं, वो जानते हैं कि मैं कितना जल्दी रिप्लाई करती हूँ। वो मुझे कमेंट करते हैं और मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं और मैं उसका रिप्लाई करती हूँ। तो आपके भी मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है या आपको कुछ सूट नहीं करता, उसकी जगह पे आप क्या इस्तेमाल कर सकती हैं, जरूर पूछिए, मैं कमेंट के थ्रू जरूर बताऊंगी। वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिल रहा है लाइक जरूर किया कीजिए। साथ ही साथ मैं एक बात और बता दूं, बहुत सारे लोगों का सोचना होता है कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, तो मैं आपको बता दूं ये जेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉयज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उनको भी स्किन प्रॉब्लम है तो बिल्कुल जा सकते हैं, डेफिनेटली जा सकते हैं। और मैं सच बताऊं, मेरे पास कुछ रहे ना रहे वार्डरोब में, मेरे पास रहता है ये नारियल तेल, जो मेरे हेयर्स, मेरी स्किन को काफी ज्यादा ग्लोइंग बनाता है, मेरी स्किन को सिल्की करता है, मेरे हेयर्स को सिल्की करता है और मेरे स्किन को ग्लोइंग बनाता है। सो आई होप यू गाइस कि आप समझ गए हैं इस रेमेडी को कैसे प्रिपेयर करना, कैसे एग्जीक्यूट करना, कैसे इस्तेमाल करना। बहुत सिंपल से स्टेप्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, फॉलो करना आपकी बारी है। फटाफट से भाग के जाइए और इस सीरम को अप्लाई करिए, अपने स्किन के लिए बनाइए। आप इसे स्टोर करके 15 से 20 दिन के लिए फ्रिज में रख सकती हैं, इसलिए डेफिनेटली जाके बनाइए और मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइए इसका रिजल्ट। हाफ एन मैं आप सच बता दूं तो आपको जो कहते हैं ना, एक हफ्ते में ही पता चल जाएगा कि आपकी स्किन कितनी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखना, आप एक फोटो खींच के अभी रख लीजिए, 1 वीक बाद आप अपने फोटो को देखिएगा तो आप यकीन नहीं करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सीरम को आपने बना लिया, लगाना कैसे है, जब आप लगाएंगी तो अपने स्किन को वॉश करके ही लगाइएगा। अपने स्किन को वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, चेहरे को जैसा, हाँ साफ तो है, चलो लगा लेते हैं, आपको कच्चे दूध से वॉश करना है, आपके पास क्लींजिंग है उससे कर सकते हैं। इन छोटी छोटी चीजों को आप ध्यान दीजिए, स्किन केयर रूटीन बनाइए, गर्मियों के लिए अपने स्किन केयर रूटीन बनाइए। और कोई भी क्वेश्चन है कमेंट के थ्रू पूछिए, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए और अपने स्किन का तो बिल्कुल ख्याल रखिए। बाय।